हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ न्यू नेविगेशन बार के बारे में, जो कि अपने जो है होम बटन, रिसेंट बटन, बैक बटन को जो है चेंज कर पाएंगे अपने मुताबिक, जो कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ये वाला सेट कर रहा हूँ तो मेरा पूरा जो है नेविगेशन बार जो है पूरा चेंज हो जा रहा है। जैसे मैं बैक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है होम बटन, बैक बटन और रिसेंट बटन, यहाँ पर पूरा मेरा जो है बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इस तरह आप अपने फ़ोन में जो है चेंज कर पाएंगे। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, पूरा वीडियो देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए, इस फीचर को अपने फ़ोन में अप्लाई करने के लिए, जैसे इस तरह अपने होम कर सकते हैं, इससे बैक कर सकते हैं, इससे आपको जो है रिसेंट बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रिसेंट बटन है और यहाँ से जो है ये बैक बटन है, ठीक है। तो इस तरह अपने सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली आपके सैमसंग के फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना होगा। सेटिंग के अंदर आने के बाद जाना होगा आपको डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है नेविगेशन बार का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है नेविगेशन बार का। तो इसके अंदर आएंगे तो ये सारा आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे स्वीप जेस्चर, यहाँ पे बटन, तो बटन को हमको सिलेक्ट नहीं करना है, जेस्चर को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ यहाँ पे होम बटन भी है, होम को रख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। स्वीप साइड एंड बटन यहाँ पे देख सकते हैं, साइड से बैक और लेफ्ट हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर, जो कि इस तरह ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने हिसाब से रख रहे हैं, तो मैं उसको ही रहने दूँगा। इस तरह मैं बैक यहाँ पर इस तरह तो रिसेंट हो जा रहा है। फिर से हम यहाँ पर आ जा रहे हैं और यहाँ पे बैक इस तरह से बैक होगा। अगर यहाँ पे बैक बटन अगर इस साइड रखना चाहते हैं, यहाँ पे अगर नीचे आएंगे इसमें, तो यहाँ पे बैक बटन हम इस साइड रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, रिसेंट बटन आपका जो है इस साइड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इस तरह स्वीप करूँगा तो मेरा यहाँ पर बैक होने लगेगा। तो इस तरह आप अपने फ़ोन में जो है सिलेक्ट करके रख सकते हैं। सिंपली आपको जाना है फ़ोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आने के बाद आपको जाना है नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है बटन पे सिलेक्ट रहेगा तो आपको सिंपली यहाँ पे स्वीप जेस्चर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाला जो है आपको जो है रिसेंट होम बैक बटन आपका जो है सिलेक्ट करना है अपने मुताबिक। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टाइल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, तो काफ़ी बेटर है, आप अपने फ़ोन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।